कभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रही सारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने निवेश किया था, लेकिन कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता न होने और वित्तीय अनियमितताओं के चलते इसमें कई लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा फंस गया था। मोटा रिटर्न पाने के लालच में लोगों ने सहारा की कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन मैच्योरिटी पर इन कंपनियों ने निवेशकों को पैसा देने के बजाय ठेंगा दिखा रही है। कुछ इसी तरह रायगढ़ जिले और शहर के हजारों निवेशकों का पैसा भी सहारा कंपनी में फंसा हुआ है। निवेशकों की माने तो करीब 200 करोड़ रुपए की राशि सहारा कंपनियों में फंसी हुई है। इन निवेशकों में ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं। सहारा में पैसे लगाकर सालों से अपने पैसे पाने के लिए भटक रहे शहर के छले गए निवेशकों ने एक बार फिर सक्रियता दिखाई है। निवेशक एकजुट होकर सबसे पहले विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक के निवास पहुंचे। उन्हें अपनी समस्या बताते हुए सहारा कंपनी में फंसे अपने पैसों को वापस दिलाने की मांग की। निवेशकों ने विधायक को लिखित आवेदन देकर मदद की अपील की। विधायक से मिलने के बाद करीब 20 की संख्या में निवेशक लिखित आवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। यहां उनकी मार्मिक अपील को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिषेक मीणा ने तुरंत रायपुर स्थित कंपनी के प्रादेशिक कार्यालय के अधिकारियों को उन निवेशकों को तत्काल 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा, जिनके पैसे मैच्योर हो चुके हैं और उनके मैच्योरिटी की राशि अभी नहीं मिली है। रायगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। सहारा के काफी सारे इन्वेस्टर्स रायगढ़ जिले में हैं, उनमें से काफ़ी लोगों की पॉलिसी मैच्योर भी हुई है और काफ़ी लोग ऐसे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको पैसे की लगातार ज़रूरत रहती है, घर में काम करते हैं। काफ़ी समय से सहारा द्वारा ये पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, तो इसी को लेके अपनी रिवाज को लेकर ये लोग आए थे कि एक हेल्प की उम्मीद लेकर कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ इनकी मदद की जाएगी, इनका पैसा जो हार्ड अर्न्ड मनी है वापस दिलाया जाए। उसी में हमने इनको भरोसा दिलाया कि बहुत ही जल्द इनका पैसा वापस मिलेगा। सहारा के एग्जीक्यूटिव्स भी संपर्क किए थे कि हम लोग पैसा अगर देने को तैयार हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है और आगे का प्रोसेस जो रहेगा वो भी प्रोसेस दिया जाएगा। अभी हमारी अपील ये है सभी रायगढ़ वासियों से, जिनकी भी इन्वेस्टमेंट सहारा में है और जिनका पॉलिसी मैच्योर हो गया है, जिनका उनका पैसा वापस मिलने का टाइम हो गया है, वो अपनी एप्लीकेशन एक पुलिस ऑफिस में दें अपने डॉक्यूमेंट्स के समेत, उस एप्लीकेशंस को एक बार एक्साई करके और फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी ताकि उनको पैसा वापस के पास गए थे। और विधायक महोदय से निवेदन किए कि हम सभी नागरिकों का जो इन्वेस्टर हैं जो पैसा निवेश किए हैं सहारा कंपनी के ऊपर में, हम लोग को सहारा कंपनी से कोई विद्वेष नहीं है। आज स्थिति हर आदमी की परिस्थिति बदल गई है, उनको महीने महीने जो ब्याज मिलता है वो पैसा नहीं मिल रहा है। आज उनको अपना खाना पीना रहन सहन बहुत तकलीफ हो रहा है, जिसके लिए विधायक महोदय को निवेदन किए थे। विधायक महोदय ने हमको बहुत अच्छे समर्थन के तौर पे बताए और कलेक्टर साहब से भी बात किए और आपने ज्ञापन सौंपा, उस ज्ञापन को हमने यहाँ SP साहब के पास भी दिया था, तो SP साहब का ये आश्वासन बहुत ही अच्छा, सभी को अच्छा लगा कि उनको सीधा आदेशित किया गया है, जो सहारा कंपनी के संचालक हैं या डायरेक्टर हैं यहाँ रायपुर में, उनको ये आदेशित किया गया है तुरंत पैसा आप मंगवा के कुछ रिलीफ फंड जो है अब हमारे रायगढ़ जिले में नई नई करके 200 करोड़ का है इन्वेस्टमेंट, अब 200 करोड़ में लगभग 20-25 करोड़ रुपए के लिए SP साहब उनको आदेशित किए हैं कि आप उनको तुरंत रिलीफ दीजिए।